अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा बहुत ही बुरी तरीके से फंस गए हैं। मुंबई पुलिस के द्वारा इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ये दोनों ऐसे एक्ट्रेस हैं जो ज्यादातर कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल ये जो मामला है ये ट्रैफिक रूल तोड़ने को लेकर है। कुछ दिनों पहले अमिताभ बच्चन का एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा था, जहां पर अमिताभ बच्चन अपने एक फैन के साथ बाइक में बैठकर जा रहे थे और अमिताभ बच्चन खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये पोस्ट शेयर की थी, जहां पर अमिताभ बच्चन उन्होंने कहा कि थैंक यू मुंबई में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है, इसीलिए उनको बाइक के मदद से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना पड़ा। और इसी तरीके का एक तस्वीर जो है वो अनुष्का शर्मा का भी वायरल हुआ है, जहां पर अनुष्का शर्मा अपने गार्ड के बाइक के पीछे बैठकर वो जाती हुई नजर आ रही है। और इन दोनों तस्वीर में अगर एक चीज कॉमन है तो वो यह है कि इन दोनों तस्वीरों में इन दोनों ने कोई हेलमेट नहीं पहना है और ना ही बाइक चलाने वालों ने पहना है। और जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया में बहुत ही तेजी से वायरल हुई तो आम जनता ने भी इसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि जब कोई आम जनता बिना हेलमेट के अगर बाइक चलाए तो तुरंत चलान कट जाता है, तो ये जो कानून है वो क्या सेलिब्रिटी पर काम नहीं करता? तो लोगों ने जो है पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया और कहा कि इन बॉलीवुड वालों पर भी ट्रैफिक रूल लागू होना चाहिए और इनका भी चलान कटनी चाहिए। और यही कारण है कि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग मुंबई पुलिस को जो है टैग करना शुरू कर दिया है। और आम पब्लिक की बढ़ती डिमांड को देखकर मुंबई पुलिस ने भी रिप्लाई देते हुए कहा कि हम इस मुद्दे को ट्रैफिक ब्रांच पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है और ट्रैफिक ब्रांच के पास ये मामला जाते ही हो सकता है कि अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा के खिलाफ कोई एक्शन ली जाए। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना कि ये सेलिब्रिटियों का नौटंकी है, क्योंकि वो आजकल जो है लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी जमीन से जुड़े लोग हैं, इसलिए हम बाइक से ट्रैवल करते हैं।